अखिलेश सिंह से माफी नहीं मांगते हैं तो आपके मैं खिलाफ कई खुलासे करने का दावा कांग्रेस कर रही है, कह रही है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बहुत तरह की बात। आखिर क्या हो गया है, कांग्रेस आपके खिलाफ क्यों चली? कांग्रेस मेरे खून जहन में है। नहीं, आपके तो आपके बहाने रंजीत रंजन पे जो आपकी पत्नी, उन पर तो टारगेट नहीं किया जा रहा है। पप्पू यादव अखिलेश सिंह से माफी मांगेंगे? सर मैंने देखिए फालतू बातें सर लगा दुनिया में जो आपने बयान दिया उस पर सर मैं कोई बयान कहीं नहीं दिया। महागठबंधन के साथ हूँ, था, रहूंगा। लेकिन क्यों आखिर आपको शामिल नहीं करने दिया गया? आप पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार महागठबंधन के पक्ष में बात करते थे, लेकिन अब महागठबंधन के निशाने पर पप्पू यादव आ गए हैं। कांग्रेस लगातार इन पर हमला कर रही है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे करने की बात की कांग्रेस ने। हमारे साथ पप्पू यादव, आखिर क्या हो गया है, कांग्रेस आपके खिलाफ क्यों चली? कांग्रेस मेरे खून जहन में है। राहुल गांधी जी हमेशा से, मैं ही एक आदमी हूं जो कहता रहा हूं कि राहुल गांधी से सच्चा इंसान, दिल का खुला इंसान, राहुल गांधी फ्यूचर है इस इंडिया का। राहुल गांधी के अलावे फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है। वही इंसान इस इंडिया के हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं, वही इंसान इंडिया के संविधान और उस डेमोक्रेसी को सेव कर सकता है, वही इंसान जो आज नफरत है जाति धर्म का, कांग्रेस ही है जो जाति धर्म से अलग बात करती है। लेकिन बिहार कांग्रेस आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मैं इस सब में नहीं जाऊंगा, और आपसे कहती है कि अखिलेश सिंह से माफी मांगे पप्पू यादव? नहीं नहीं, मैं इस सब, मुझको नहीं पता इस सब के बारे में। मुझे पूर्णिया में क्या बोला था आपने अखिलेश सिंह के खिलाफ? मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बात करता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी। आपको माफी मांगने के लिए क्यों बोल रही है? सर मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं कांग्रेस, मैं कम्प्लीटली कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस हूँ, मुझसे बड़ा कांग्रेसी, मेरे नाना कांग्रेस के कार्य समिति सदस्य थे, मेरे दादा कांग्रेस में हम रहे, मेरे नाना अपने लक्ष कामेश्वर मंडल बिहार स्टेट कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। लेकिन अब बिहार कांग्रेस आपके खिलाफ? मैं एक बात बोलू, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। मैं इतना जानता हूं कि इंडिया के वोटर्स पर जब हमला होगा, चाहे कोई माफिया हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, 45 लोगों को केस में इन्वॉल्व किया, 4500 इंडिया के गोलीकांड में। कहीं आपके तो आपके बहाने रंजीत रंजन पे जो आपकी पत्नी, उन पर तो टारगेट नहीं किया जा रहा? भैया मैंने पहले कहा कि रंजीत रंजन जी सोनिया गांधी की बेटी हैं और राहुल गांधी के एक अच्छे दोस्त भी हैं और उनके साथ काम करने वाली अच्छे वर्कर भी हैं। रंजीत रंजन जी कांग्रेस की विचारधारा के, उनके खून में, उनके नस में है। दुनिया कब कांग्रेस में आई, कौन कब कहाँ था, कब आया? सर मेरी राजनीतिक जीवन 83 से लेके आज तक बेदाग रही है। मैं दुनिया में जितना बांट चुका हूं ना, उतना पूरे देश का नेता लूट लिया। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बनने से पहले रंजीत रंजन की चर्चा हो रही थी अध्यक्ष बनने की। मेरी बात समझिए ना, मैं रंजीत रंजन जी कांग्रेस में हैं, वो उनके प्रवक्ता हैं, सेक्रेटरी हैं, मुझे उन पर कुछ नहीं कहना। रंजीत रंजन जी जैसी लेडीज रेयर एंड रेयरेस्ट मिलती है इंडिया में, दुनिया में। वैसी स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी, इतनी डायनामिक, जिसको सोनिया जी ने बेटी की तरह एडॉप्ट किया हो, और राहुल जी और प्रियंका जी, उनके रेस्पेक्ट के लिए प्रियंका छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर बिना चुनाव के लिए दोहे, तो मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस ने कितना किसको रेस्पेक्ट दिया। रंजीत रंजन जी को जितना रेस्पेक्ट दिया है ना, नेवर एट एट ऑल। पप्पू यादव अखिलेश सिंह से माफी मांगेंगे? सर मैंने देखिए फालतू बातें सर लगा दुनिया में जो आपने बयान दिया उस पर सर मैं कोई बयान कहीं नहीं दिया। मैं रैली हमारी क्या, थी क्या कहा था आपने, क्या कहा था? मैंने कोई कोई बात नहीं कही है। मैं सबको मिलकर के इंडिया के जनप्रतिनिधि को सेव करने की बात कही है। हमारे लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो आपको उनका जवाब देंगे 2 बजे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। इस देश
कि इंदिरा गांधी की छवि में प्रियंका गांधी को हमेशा देखता रहा हूं और सोनिया गांधी को मैं और रंजीत रंजन माँ की तरह सम्मान और प्यार करते हैं। महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल होने दिया जा रहा है पप्पू यादव को, आप बार बार बोल रहे हैं। महागठबंधन के साथ हूं, था, रहूंगा। लेकिन क्यों आखिर आपको शामिल नहीं करने दिया गया? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अब क्या आगे कैसे आपकी जो राजनीति है वो चलेगी? महागठबंधन को मजबूत करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जो देश की स्थिति है, आर्थिक, बेरोजगारी का, नफरत का, हिस्ट्री को समाप्त करने का, देश को तोड़ने का, खंड खंड बांटने का, आने वाले समय में आरक्षण खत्म कर देने का, जातीय जनगणना मिटा देने का, ये जो समाज पर हमला है, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अभी अटॉर्नी जनरल जाति जनगणना के खिलाफ कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से जाति जनगणना के खिलाफ कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जब अमेंडमेंट ला करके वो बिल ला करके खत्म कर रही है किसी कानून में, तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव पहला आदमी है जो हिंदुस्तान में नफरत के खिलाफ बात करता है? हमने जितना ट्वीट और जितना हमला कांग्रेस बीजेपी पर किया है ना, दुनिया में उतना हमला कोई नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी और पप्पू यादव बेबाक बीजेपी के खिलाफ है, उसके अलावा भारत में बीजेपी के खिलाफ कोई है तो उसका नाम लालू यादव और अरविंद केजरीवाल। एक आखिरी सवाल, लालू और नीतीश, पप्पू और राहुल, लालू और अरविंद केजरीवाल। पप्पू जी एक आखिरी सवाल, अगर आप अखिलेश सिंह से माफी नहीं मांगते हैं तो आपके खिलाफ कई खुलासे करने का दावा कांग्रेस कर रही है, कह रही है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। मैं इंडिया को कमजोर नहीं, मैं मजबूत करना चाहता हूं। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं, इंडिया के पक्ष में नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का कई वीडियो ऑडियो वायरल है, वो समय बताएगा, हमारे लोग आपको बताएंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आजीवन, मेरा खानदान कांग्रेसी है, मेरा खानदान इंडियन हिस्ट्री से है, मेरा खानदान और मैं कंप्लीट भारत के आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से जीता हूं। इसके अलावा मुझे किसी से कोई तकलीफ, किसी से कोई बैर और किसी का अपमान मैं नहीं करता हूं। तो ये थे पप्पू यादव जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह की जो बात कर रही है इनके खिलाफ, वो इंडिया को कमजोर करना चाह रहे, जो कांग्रेस के बिहार के नेता है वो इंडिया के कमजोर करना चाह रहे, जिसकी वजह से इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का कहना है वो इंडिया को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।